तो खाना खा चुके हैं, खाना खा के अब तो रिहर्सल खत्म करके हम लोग आ चुके हैं। और रिहर्सल का क्या थी ना, मैं वीडियो डाल नहीं सकता क्योंकि उसको कॉपीराइट लग जाएगा। इसलिए बंद कर दिया क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा, तो म्यूज़िक को जैसे डालना पड़ता है क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। तो प्रैक्टिस हो चुकी है, शाम को एक और प्रैक्टिस है गाना कराना, उसके बाद हम शाम को रात को निकलेंगे यहाँ से 10-11 बजे दिल्ली के लिए। थक चुके हैं, लंच के लिए बैठे हम लोग यहाँ पर, बोला नहीं जा रहा, इस पर हालत ख़राब हो गई है, केवल बैठे बैठे थक जाता है बंदा। लंच हो चुका, लंच करने के बाद अब हम लोग शाम को सिखाएंगे थोड़ा बहुत जो है काम करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे रात को 11 बजे यहाँ से। तो खाना खा चुके हैं, खाना खा के अब भाई साहब यहाँ पे खाने का क्या सीन होता पता है? नहीं यार, तो खाने का सीन इतना बिकट होता है यहाँ पर कि कहाँ को वहाँ रखो, कहाँ कैमरा रखा जा रहा है यार। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है ना, ये रोटी है, एक रोटी, ये घी है, मतलब कटोरी है, कटोरी के अंदर घी है और एक रोटी। तो अपने दिल्ली में बटर घी कैसे लगाते हैं, एक डंडी होगी, डंडी में कपड़ा लगा होता है तो उसको ऐसे ऐसे करके ब्रश से पेंट कर देते हैं तो घी लग गया। यहाँ पे कैसे लगाते हैं, कटोरी ली, ये रोटी है, ऐसे पूरा डाल दिया तो रोटी पूरी भीग गई और पूरा घी से, नीचे थाली होती है, पूरे घी से भीग जाएगी, फिर ऐसे पूरा घी से सनी हुई रोटी ऐसे उठाते हैं और ऐसे रखते हैं। ये है यहाँ पर खाने का खतरनाक तरीका। और इतनी यहाँ पर जो हर चीज़ अलग ही, हर चीज़ में घी, मतलब और घी तो हम लोग मतलब थोड़ा बहुत खाते हैं, यहाँ तो घी ऐसा पलट के मतलब नहलाया जाती है हर चीज़ को, रोटी को नहलाया जाएगा, सब्जियाँ पूरा डाल दिया जाएगा, ऐसे कटोरी पलट देते हैं। 11 बजे की बस है, 2 के हम यहाँ से 10:30 बजे निकलेंगे, आधे घंटे में बस अड्डे पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग दिल्ली जाएंगे। तो दिल्ली में 6:30-7 बजे तक उतार देगी। तो ये है अपना, अपनी जो जर्नी राजस्थान की है आज ख़त्म हो जाएगी और देखते हैं कल फिर हम नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। और ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड। ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं दरगाह जाऊंगा, पुष्कर जाऊंगा, मैं इधर जाऊँ, मैंने सोचा नहीं था अभी भी, आज तक नहीं सोचा था मैं इधर कभी जाऊँगा, मतलब दिमाग में कभी आया नहीं कि मैं ऐसा जाऊँगा। और सडनली लो मैं यहाँ पर दरगाह आया, वाह, मतलब कि दरगाह आया पुष्कर, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है वो इधर, वो मैं आया। तो लोग तरस जाते हैं, मतलब दरगाह आने के लोग तरस जाते हैं कि आप जाएंगे दरगाह, अजमेर शरीफ अब जाएंगे, लेकिन लोग पहुंच नहीं पाते और मैं बिना प्लान के यहाँ पहुंच गया, बहुत बड़ी बात। तो थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट बना रखो अपना, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट कर दो और अपने भाई को खतरनाक, आप मुझे सपोर्ट करोगे मैं आपको डबल दूंगा, मतलब एक से एक जहर चीज़ दूंगा, खतरनाक। तो गाइस ऐसे सपोर्ट करते रहे अपने भाई को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और देखते हैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग क्या है।